तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च का पहला सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से ही देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्च की। 1 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में रहते हुए ये आपके चौथे स्थान में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ हाउस में चंद्रमा का गोचर आपको प्रॉपर्टी संबंधी फायदे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहेगा घर के कार्यों पर रहेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों पर रहेगा, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर रहेगा और जो घर का वातावरण है वो काफ़ी शांतिपूर्ण और सुखमय आपके लिए रहेगा। इस समय में आप घर से संबंधित कोई ऐसी वस्तु खरीद कर ला सकते हैं या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो घर से ही संबंधित हो। इन सभी कार्यों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके डिसीजन भी काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही चंद्रमा यहां से देखेंगे आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को देखने से आपका जो फोकस रहेगा अपने जॉब पर भी रहेगा, साथ ही आपको अपने कार्य की चिंता रहेगी, जॉब की चिंता ज़्यादा रहेगी। इस समय में आपको कोई सरकारी सहायता मिल सकती है या आप प्रॉपर्टी के ही कार्य करते हैं प्रोफेशनली, तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा का ये 4th हाउस का गोचर आपको माता जी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ ही आपके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप घर से ही रहकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित है। साथ ही साथ आपका घर से लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा तो घर पर इंजॉय करेंगे और निश्चित ही आप अपना जॉब अगर घर से कर रहे हैं तो इस समय को आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। चंद्रमा जो कि यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे तो जो लोग अभी जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं उनको अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। साथ ही पहले से ही जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर से ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, घर से जुड़ेंगे, तो आप अपने घर जाकर आ सकते हैं इस समय में। साथ ही साथ चंद्रमा का ये गोचर आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको अपने कार्यों की सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी, विशेषकर जॉब की। तो जो लोग इस समय में किसी भी प्रकार के सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उनको वैसा ही जॉब मिलेगा जो जैसी जॉब पाना चाहते हैं। साथ ही ये समय आपके लिए मानसिक शांति के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मन आपका काफ़ी शांत रहेगा जिससे आप सही निर्णय कर पाएंगे और सुकून से रह पाएंगे। तो शुरुआती दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद 2 और 3 मार्च को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में इनका गोचर मिथुन राशि वालों के लिए पंचम स्थान में रहेगा। पंचम स्थान में होने से जो निसंतान लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपके लिए ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये जो पंचम का गोचर रहेगा चंद्रमा का, ये आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा, आपको क्रिएटिव स्किल देगा, इमेजिनेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा देगा। तो कल्पना शक्ति देने से आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जिनमें आप अपनी जो इमेजिनेशन है उसका ज़्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए ये उपयुक्त गोचर रहेगा। साथ ही चंद्रमा का पंचम में गोचर करना ये आपको धन संबंधी जो भी कार्य हैं उनमें अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ आपको अपनी संतान से सहयोग देगा, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं वो बनेंगे। तो ये समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। जिन लोगों का किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं है उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। साथ ही आपका जो प्रेमी होगा वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस समय में आपके सोशल सर्किल में बढ़ोतरी होगी, जो लोग आपको जानते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप मार्केटिंग करते हैं अगर तो काफ़ी अच्छा लाभ इस समय में कमा सकते हैं। साथ ही इस समय में किसी को दिया गया जो धन है वो वापस लौट कर आएगा, तो आप किसी से उधार लेन देन कर सकते हैं या किसी को उधार दे सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का ये गोचर रहेगा आपके लिए जो भावनात्मक रूप से दबाव है वो आप पर जरूर रहेगा, तो आपके कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं मिथुन राशि वालों के जो मन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। साथ ही चंद्रमा का ये गोचर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी, जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ अचानक प्राप्त हो सकता है। साथ ही कोई लंबे समय से आपकी ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। तो चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा थी, आप लाभ कमाना चाहते थे, आपकी
कोई और मनोकामना ऐसी थी जो अधूरी रह गई थी वो पूरी होती हुई आपको नज़र इस वीक में आएगी। साथ ही साथ ये जो चंद्रमा का गोचर है आपके लिए 4 और 5 को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे और आपके 6th हाउस में स्थित होंगे। तो 6th हाउस में ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। 6th हाउस में इनका गोचर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा साबित नहीं होगा। इस समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, कहीं से कोई डॉक्टरी सलाह आपको लेनी पड़ सकती है। साथ ही साथ चंद्रमा का 6th हाउस में गोचर होना आपके रूटीन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये जो समय है इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये 2 दिन का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही इस समय में अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ ही किसी से कोई विवाद ना करें और अपने जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ें। तो ये जो कार्यस्थल का वातावरण है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा और इस समय में आप अपनी जो दिनचर्या है उससे जूझते रहेंगे तो आपका जो रूटीन है वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। चंद्रमा का यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ेगा 12वें स्थान पर पड़ेगा तो आपको नींद से जुड़ी हुई, अपने रूटीन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। साथ ही हॉस्पिटल से संबंधित आपका कोई ज़्यादा खर्चा इस समय में हो सकता है या कोई कोर्ट वगैरह का विवाद है, कुछ ऐसा मामला चल रहा है, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है तो आपके लिए उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो इस समय में मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। साथ ही आप इस समय में अपने जो दिनचर्या के काम हैं उनसे थोड़ा सा जूझते हुए नज़र आ सकते हैं। चंद्रमा का जो अंतिम 2 दिन का गोचर रहेगा 6 और 7 मार्च का, ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो आपके धनु राशि में चंद्रमा का आपके लिए गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी अगर दिक्कत आ रही थी अभी तक तो वो दूर होगी। साथ ही आपको आपके पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो लोगों का अच्छा समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही ये जो चंद्रमा की स्थिति होगी धनु राशि में, ये आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बना देगी। तो हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल व्यवहार आपके साथ करे। साथ ही चंद्रमा का यहाँ पर गोचर आपको नए बिजनेस की शुरुआत दे सकता है, नई कोई पार्टनरशिप का मौका आपको मिल सकता है। इसी के साथ आपका जो पार्टनर होगा वो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प भी करेगा। तो चंद्रमा यहाँ से आपके राशि स्थान को भी देखेंगे। राशि स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपके लिए ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। निर्णय आप तुरंत कर पाएंगे और आप इमोशनल भी होंगे। तो मन में विचारों का तूफान उठ सकता है क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और ये जो चंद्रमा का गोचर है वो निर्णय लेने में या किसी भी काम को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये जो अंतिम दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ दिनों से जो भी आपको स्वास्थ्य समस्याएं जो चल रही थी वो आपकी दूर होंगी। तो अंतिम 2 दिनों का आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। साथ ही इस वीक में मिथुन वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 1 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा काला रंग। फिलहाल बस इतना ही।